ये तो बोर्ड है ना? ये बोर्ड है जी हाँ। अच्छा तो मुड्ढा भी था ऐसा ही? मुड्ढा भी था जी। उसका क्या एवरेज आया जी? 104 उसका 104 का था जी मेरा, जो है ना मंडल की वो कटिंग हुई थी उसकी जी, तो 104 का उसमें वो आया था मेरा। तो बहुत अच्छा एवरेज आया जी। हाँ जी। और इसमें लगभग क्या अंदाजा कर रहे जी आप? ये मैंने स्टेट लेवल पे इसकी कंपटीशन की तैयारी कर रखी जी जी। अब इसकी क्रॉप कटिंग आएगी तो जब पता लगे, वैसे तो मैं इसे 130 के आसपास 140 के आसपास मान के चल रहा हूँ। बिल्कुल हाइट तो बहुत जबरदस्त है जी। हाँ जी, इसमें करीब 16-17 फुट का गन्ना गन्ना है जी। ये देखो भाइयों जबरदस्त गन्ना, ऊपर तार है जी, तारों में ड्रा है बिजली के तारों में। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदयवीर अहलावत पर। भाइयों आज शामली के टिटोली गांव में पहुंचे हैं, चौधरी देवेंद्र सिंह के खेत पे पहुंचे हैं भाइयों। और इन्होंने जो है 0238 का खेत लगा रखा है, असोज की बुआई है। ये खेत दिखाऊंगा इनका भाइयों, ये देखो खेत दिखा देता हूँ मैं आपको, कितनी ज़बरदस्त हाइट हो रही है भाइयों। देखो 0238 जो है ख़राब हो रहा है बहुत जगह, और इन्होंने संभाल रखा, और इन्होंने अपने तरीके से ट्रंच बना रखा है, ये ट्रंच के तरीके से खेती कर रखी खुड़ छोड़ के। वो जानकारी लेंगे भाई आपको क्या लाभ मिल रहा है इससे, और ये किस तरीके से कर रखा है। ये देखो ये इसके बाद की बुआई है इस साइड में, ये भी 38 ही है जी। हाँ जी, 0238 है जी। ये भी 38 है, खाली खुड़ में जो है वह बरसीन बो रखी भाइयों, ये देखो। और ये असोजिया है इधर का। हाँ जी, अपना परिचय दे दो जी एक बार पहले। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम देवेंद्र सिंह देसवाल, गांव टिटोली जिला शामली जी। साथियों जैसे कि 0238 वैरायटी थोड़ा जाने की स्थिति में है, लेकिन हमारा प्रयास यही है कि जो भी अच्छा हम कर सके, बेहतर कर सके, वो हम आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं और कर भी रहे हैं। साथियों थोड़ा सा ट्रंच की आवश्यकता है, ट्रंच की उसमें रोग कम आते हैं और खर्च भी कम आता है, और हम जो खर्च होता है उसका जो इनकम है वो हम जो बीच में जगह छोड़ते हैं उससे प्राप्त भी कर लेते हैं जी। तो ये किस तरीके से बो रखा है जी, कितने खुड़ छोड़ कर रखा है? ये 4 खुड़ बो का एक खुड़ छोड़ रखा है जी, ये 30 इंच पे एक खुड़ है इसमें। अच्छा गैप कितना बन जाए बीच में? बीच में 5 फुट का गैप हो जाए जी। अच्छा 5 फुट का हो जाए। हाँ जी, उनका मेड़ लग जाए अच्छे से, और जैसे मेड़ लग गया आप देख रहे होंगे ये लाइन से लाइन के बीच में फिर 5 फीट का गैप हो जाता है जी। तो इसके ट्रंच के साधन बना रखे, कैसे आप इसको हैंडल कर रहे हैं? नहीं अपने साधारण उससे ही चल रहे जी, जैसे पहले चल रहे थे ट्रैक्टर से ही। अच्छा ये देखो भाई अंदर से हम देखो ये दिखा देता हूँ आपको, ये गिर भी रहा है इनका, और ये देखो भाई हो रही। तो भाई साहब ये जो 0238 वैरायटी है आपकी फिलहाल तो यहाँ? हाँ जी। तो और कितनी वैरायटी लगा रखी? मेरे पास 15023 है, 14201 है, 17231 है, 118 है, वैरायटी काफी है जी। मैं गन्ना बीज उत्पादक भी हूँ जी, और शाहजहानपुर से मैं इसके लिए प्रमाण पत्र है मेरे पास जी। और भी जो नई वैरायटियां निकलेगी आगे भविष्य में जी, प्रयास यही रहेगा कि अपने किसान भाइयों तक उन्हें ला के पहुंचाया जाए जी। तो कौन सी वैरायटी मतलब किसान के हित की कौन सी ज्यादा नजर आ रही है फिलहाल में? फिलहाल में तो देखो 13235 वैरायटी बहुत ही अच्छी इस समय अपना दिखा रही है परफॉर्मेंस जी, और 118 भी अच्छी चल रही है, बैंगनी कलर वाली। हाँ जी, बैंगनी कलर वाली। अच्छा तो चलो दिखाओ जी खेत, दिखाइयो आप, ये देखो जी। तो इसकी जुताई जो है भाई साहब जी, जुताई किस चीज से कर रहे हैं इसकी आप? इसकी जुताई हम पावर वीडर से करेंगे, पहले तो हम ट्रैक्टर से करें अपने जी, और बाद में हमने पावर वीडर ले रखा है, जब इसमें ट्रैक्टर घुसने की जगह नहीं रहती तो उसके बाद हम पावर वीडर से इसकी जुताई करते हैं जी। और इसमें हम पहले मक्की लेते हैं जी, मक्की के बाद फिर बाजरा, और बरसात जैसे ही खत्म होते है उसके बाद फिर सारे में बरसी। अच्छा ये घास के रूप में इस्तेमाल कर लो? हाँ, जो खाली जगह जी, पकने नहीं देते उसको? ना जी ना। अच्छा घास के रूप में जी, खाली जगह का वो कर रहे हैं, और बाद में जो बरसी है फिर इसी में बह के उसका जो है ना मिट्टी में मिला दे सारी को, उससे कार्बन जीवांश भी हमारी धरती के बने रहते हैं। अच्छा तो आप जो है इसका डीकम्पोज वगैरह का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जी? जी जी, डीकम्पोजर है अपने पास जी, और जीवामृत है, ट्राइकोडर्मा है, और अपना ये कैचो की खाद है, वर्मी कम्पोज, और भी अपना सब ये चीजें तैयार कर रखी हमने। ये कितनी बार इस्तेमाल करो जी? हर पानी के साथ करते हैं जी, हर खेत में।
अच्छा, अलग अलग करके। अच्छा तो जैसे आप पत्ती फैलाई जाएगी जी, तो हम डीकम्पोजर चलाएंगे जी। जैसे खेत खड़ा है इसमें हम जीवामृत चलाएंगे। अच्छा जी, और जो आगे गन्ने का जो बुआई के लिए तैयार करेंगे उसमें हम अपना ट्राइकोडर्मा चलाएंगे। अच्छा, नीचे जमीन की फफूंदी को इनको खत्म करने के लिए जी। तो जैसे मान लिया ये आपका ये गन्ना खड़ा है जी, देखो जी जी, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। ये कब की बुआई का है? ये 2 अक्टूबर की बुआई है जी। इसके बुआई की उसमें हमने सरसों लगा रखी थी इसके साथ में। अच्छा, तो इसमें कोई खास दवाई का कुछ पेस्टिसाइड का ज्यादा इस्तेमाल कर रखा है? जी ज्यादा नहीं कर रखा है। देखो जैसे रोग आ थोड़ा बहुत तो कराया इसमें जी, लेकिन इतना ज्यादा अंधाधुंध नहीं कुछ भी कर रखा। कितनी स्प्रे कर दी होगी इसमें? करीब 5 स्प्रे हुई है जी। 5 स्प्रे हो रही? हाँ, तो फिर भी तो बहुत ज्यादा बच रहा है जी। जैसे मान लिया ये खराब हो रहा है किसानों का। हाँ जी, तो आपने आपके ये डीकम्पोज से जीवामृत से का कारण है बचने का या और कोई कारण है इसका? एक तो इसमें यूरिया खाद बहुत कम है जी। अच्छा जी, इसमें मैंने नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का स्प्रे कर रखी जी। अच्छा, बरसात के दिनों में जब भी मैंने स्प्रे किया उसके साथ में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी दोनों लगाई। अच्छा, नीचे जमीन में यूरिया बहुत कम गिर रखा है। नीचे जमीन में यूरिया गिरने से क्या हो कि गन्ना खराब हो जाए जी। जी, दिखाई तो देगा लेकिन बोझ नहीं देने का, अंदर से जो है ना वो खराब हो जाए। अच्छा, बोझ नहीं देता। तो स्प्रे में आपने नैनो का इस्तेमाल करा? नैनो का जी, और नैनो का इस्तेमाल मैं पिछले 2 साल से कर रहा जी, जी। और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ रहे। थोड़ा सा उसका तरीका समझने की जरूरत है किसान भाइयों को जी। जब अपना ही फसल लगभग अपनी हाइट की तैयार हो जाए गन्ना जी, उस पे काफी पत्तियां हो जाए जी, तब इसका रिजल्ट आता है बहुत बढ़िया। अच्छा जी, और इसे हिला के जी, बढ़िया तरह से हिला के आप अपने उसमें डालो टैंकर में उनमें, तो रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही कूट दोगे तो इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल पाता। अच्छा, तो नीचे दानेदार दवाई का भी इस्तेमाल करो कुछ? नीचे दानेदार दवाई का कुछ नहीं जी, रिजेंट का कर लेते हैं जब बुआई करते हैं। बुआई बॉय हाफ ही प्रोनिल। अच्छा, फिर नहीं कुछ? ना ना, उसके बाद कोई दवा नहीं नीचे की। अच्छा, तो जैसा ये तरीका अपना रखा आपने? हाँ जी। तो ये तो बोर्ड है ना? ये बोर्ड है जी। हाँ। अच्छा, तो मुड्ढा भी था ऐसा ही? मुड्ढा भी था जी। उसका क्या एवरेज आया जी? 104 उसका 104 का था जी। मेरा जो है ना मंडल की वो कटिंग हुई थी उसकी जी, तो 104 का उसमें वो आया था मेरा। तो बहुत अच्छा एवरेज आया जी। हाँ जी। और इसमें लगभग क्या अंदाजा कर रहे हैं जी आप? ये मैंने स्टेट लेवल पे इसकी कंपटीशन की तैयारी कर रखी जी जी। अब इसकी क्रॉप कटिंग आएगी तो जब पता लगे। वैसे तो मैं इसे 130 के आसपास 140 के आसपास मान के चल रहा। बिल्कुल, हाइट तो बहुत जबरदस्त है जी। हाँ जी, इसमें करीब 16-17 फुट का गन्ना गन्ना है जी। ये देखो भाइयों, जबरदस्त गन्ना। ऊपर तार है जी, तारों में ड्राई बिजली के तारों में। हाँ बिल्कुल, ये 11,000 की लाइन दिखे। हाँ जी, 11,000 की लाइन है। हाँ। ये काटनी पड़ेगी पत्ती ऊपर से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि झुलस जाते होगा आग की भी संभावना। थोड़ा डर रहना कि शॉर्ट होकर आग लग जाए। हाँ, शॉर्ट होकर चांस हो जाए। हाँ जी, इसमें ऊपर पत्तियां जा ही रहे तो वे काट दे उसमें। जी जी, आ जाओ जी एक बार। ये देखो भाइयो, जबरदस्त गन्ना। खेत बहुत देखे होंगे आपने, और आज 0238 का खेत मिल गया है। ये देख लो, ये गिर भी रहा कुछ जगह। ये गिर भी गया जी, आपका तो संभला नहीं। हाँ जी, ये बाद में हमने रस्सियों से इसकी बंधाई करवाई थी जी, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे जो बीच में सले चक्के गिर गए। आप क्या करे जी, हाइट ज्यादा हो जा। हाँ जी, ज्यादा हाइट होकर उसी वजह से है। ये आप देख भी सको यहाँ, मैंने लास्ट में आकर रस्सियाँ लगवाई थी जिससे पत्तियाँ का इस्तेमाल कम से कम हो और हमारा जो गन्ना है वो भोजन बराबर लेता रहे, क्योंकि तो पत्ती की बंधाई जितना होती है तो वो भोजन बेकार हो जाता है। ऊपर की हरी पत्ती बन जा, तो सूखी थोड़ा सूखी सी पत्ती रहे पीली सी जी, उनसे बंधाई हो तो वो बढ़िया। तो बाद में मैंने फिर रस्सियां लगवा दी थी इसमें जी जी। ये देखो जी, वाह जी वाह, ये देख लो भैया। बंधाई करवाई जी, थोड़ा लागत तो इसमें बढ़ जाती है पर फिर ये थम गया वहीं से कि जो पहले गिर गए थे वो गिर गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बार हाइट दिखाइयो, देखियो यहाँ दिखाइयो, बस यही हो इसके बीच में खड़े। ये देखो भाइयो, पीछे हटकर दिखा रहा मैं, ये कैमरे में नहीं आ रहा। गन्ना आवे तो भाई की हाइट नहीं आती। ये देखो जी, वाह भाई। तो क्या हाइट हो रही होगी जी अभी फिलहाल इसकी? तो गन्ने की हाइट तो जी 17 फुट के आसपास है जी, पूरा लगाओगे तो आप 20-21 फुट बैठता है जी जी। ये देखो जी, वाह जी वाह। तो भाइयों, 0238 का खेत है ये, और असोज की बुआई है, और किसान भाई ने देखो इतना संभाल रखा है, और सारे बीजों पर प्रयोग कर रहे हैं। हाँ जी, सारी वैरायटियों पर चल रहा है, और मैं तो यही कहूंगा कि कम लागत में अच्छी फसल अगर किसान लेगा तो तभी खुशहाल होगा जी।
किसान को जब भी इसमें मुनाफा है अंधाधुंध देख के किसी को भी कुछ ना डाल ले अपने खेत में, जो भी डाल ले बहुत ही अपने तरीके से डाल ले तो आपको लाभ होगा। अंधाधुंध डाल लोगे तो कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि आपकी फसल और बेकार हो जाएगी जी। मेरी अभी राय है सभी किसान भाई अपने जो है ना शामली के कृषि विज्ञान केंद्र है उससे संपर्क करें, जो और जिले के अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्रों में भी संपर्क करें, क्योंकि वहां से वैज्ञानिकों की उनकी सलाह से अगर आप खेती करोगे तो कम लागत में अच्छा उत्पादन लोगे जी। तो भाइयों ये देखो किसान भाई चौधरी देवेंद्र ने जो है जानकारी दी, बहुत ही अच्छी जानकारी ले रहे किसान भाई और अपनी जो है अपनी जानकारी का इस्तेमाल कर रहे अपने खेत पे और बहुत ही जबरदस्त उत्पादन ले रहे भाइयों। तो ये आज इनके खेत की वीडियो दिखाई मैंने आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। सब्सक्राइब और लाइक करना। नमस्कार।